हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। आप सब लोग काफी जगह गेस कर रहे थे हम लोग कहाँ जाएंगे, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं वृंदावन। जी हाँ, आज है हमारा वृंदावन में डे टू। वैसे हम लोग कल शाम को पहुंचे थे, तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत आज एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 3-4 बजे खुलते हैं। तो अभी अपने पास है थोड़ा सा कम समय। सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो भाई अपने सारे मेंबर्स जो है ना रेडी हो चुके हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाह यार, मान गया, मजा आ गया आप लोगों को देख के। तो अभी हम लोग सुबह सुबह जाएंगे अपना ब्रेकफास्ट करने। तो अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ताकि उसके बाद हम सारी जगह घूम सके। चले, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट करने तो आ रहे, थोड़ा सा सामान गाड़ी में रख लेते हैं। और बाहर आप देखो मौसम, आ हा हा। और जो हमने कपड़े पहने हैं ना, लग रहा है कम पहने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे शादियाँ भी होती होगी, तो यहाँ पे सजा हुआ है ऑलरेडी। तो सामान रखते हैं, फिर करते ब्रेकफास्ट, फिर चलेंगे दर्शन के लिए, फिर आपको बताते कौन कौन से मंदिर जा रहे हैं। तो चलो भाई रेस्टोरेंट चलते हैं। तो टाइमिंग है यहाँ पे 7:30 से 10 AM। तो ये डाइनिंग हॉल, चलिए तो देखते हैं क्या मिलेगा खाने को। एक अच्छी चीज़ ये होगी कि यार सुबह सुबह ना अच्छा ब्रेकफास्ट मिल गया, और अपने को फिर इसके बाद एनर्जी रहेगी। फिर लंच देखेंगे कहाँ करेंगे, और अभी हम चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पे एग्जैक्टली एंड करेंगे। तो चले, आ जाओ जी, आ जाओ। तो जी फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी सबसे पहले जाएंगे हम बांके बिहारी टेम्पल। तो जी हम लोग चल पड़े हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ को। तो हमने अभी गाड़ी एक जगह पार्क कर दी है, तो यहाँ से हम पैदल जाएंगे और देखते हैं हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है कैसा रहता है। और वृंदावन की गलियों में मज़ा बहुत आ रहा है यार। ठंडा है यहाँ पे, मौसम ठंडा भी है और ट्रैफिक भी थोड़ा ज्यादा है, टाइट गली है। भाई एक तो डर है यहाँ पे चश्मे निकाल लेते, क्योंकि बहुत सारे बंदर है। और दूसरा हम लोगों ने तिलक लगा दिया है, नया दिखाना। अरे क्या बात है, राधे राधे। मैंने भी तिलक लगा दिया है, तो टेंशन अभी सिर्फ ये है कि हर जगह मंकी है, चश्मे ना ले जाए। तो थोड़ा सा इस तरह से हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो जी हमने जूते उतार दिए, डर ये है कि कैमरा कहीं निकाल नहीं सकते, बंदरों का डर है, आगे कुछ दिख नहीं रहा, चश्मे उतार दिए। मेरी नजरों से देख रहे हैं, नेहा की नजरों से देख रहा हूँ मैं सारा। ये है जी दृश्य अंदर बांके बिहारी मंदिर की तरफ को। तो जी हम सीधा मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। बाहर मंकी बहुत ज्यादा थे, इसलिए हम लोग वहाँ पे कैमरा नहीं निकाल सके ना, अपने को तो चश्मे भी नहीं पहने जा रहे थे। मैं नेहा के सहारे आया हूँ अंदर तक। अब यहाँ चश्मे पहन के अच्छा लग रहा है। जय राधे राधे। यहाँ जो पर्दा है ना जी, ये एक एक सेकंड मिनट के लिए खुलता है, जिसने दर्शन कर लिए कर लिए। जय हो राधा राधे। चार बार ट्रेनों में जो मोबाइल पर कर दिया, आगे बढ़ो आगे। बांके बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी। तो भाई हम तो दर्शन करके आ गए, अंजना और अभी नेहा यहाँ पे भीड़ में है अंदर। तो आप लोगों को भी दर्शन, जय हो बांके बिहारी लाल की जय। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं यहाँ पे, आहा आनंद। पर नेहा और अंजना गुम हो चुके हैं, मिल ही नहीं रहे, कहाँ पे तो अंजना और नेहा मेरे को मिल गई है। ध्रुव कितना बेचैन हुआ हुआ है, कहाँ है मेरी बीवी। तो जी हमारे बांके बिहारी के दर्शन हो चुके हैं, आप क्राउड देख सकते हैं कितना ज्यादा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं जूता घर की तरफ, और पाँव के हाल तो हो चुके खराब, देखो कितना ज्यादा कीचड़ हो चुका है। तो जी अब हम जा रहे हैं निधिवन, और हमें भैया मिले हैं, साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेंगे ये। तो जी हमारी एंट्री निधिवन में हो चुकी है। तो ये पूरा रास्ता है जो हमें आगे जाना है, पर दिक्कत देखो क्या है, वहाँ टॉप पे है बंदर और ये सारा खाली है, चश्मे आगे फिर नहीं पहन सकते और कैमरा भी नहीं यूज कर सकते। आज भी पत्ती लगी इसके अंदर में डालेंगे भैया जी, और सुबह जब मंगला करने आएंगे तो क्या देखने को मिलता है गड्ढों में कि तुलसी की माला बन जाती है। अच्छा। जो गले में पहनते हैं। अच्छा। तो माला यहाँ से भगवान के घर में जाती है, वो आपको प्रसादी के तौर पर दी जाती है। अच्छा। राधा रानी की, राधा रानी की जय, कन्हैया लाल की जय, ताली बजा के हंसते रास्ते घूमने गए, राधे श्याम राधे श्याम बोल के, राधे राधे जय श्री राधे। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे शाम को जो है ना रासलीला होती है, डांस होता है। और यहाँ पे देखो समाधि बनी है उन लोगों की, जो जिन्होंने ये रासलीला देखी है उनकी साथ में समाधि है। अब जा रहे हैं हम यहाँ से अंदर को। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं नंद महल, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो अंदर चलते हैं, यमुना नदी में स्नान करके आते हैं। अभी आपको यमुना स्नान तो नहीं करना, बाजू में यमुना का जल है, हाथ धोके थोड़ा छींटा लगा ले। तो जी पहले यहाँ पे पवित्र होते हैं, यमुना का जल अपने ऊपर छिड़कते हैं। तो जी हम लोग आ चुके हैं गोकुल, और यहाँ पे हम आए हैं ठकुरानी घाट जाएंगे।
तो अभी देखते हैं, पूछते हैं किसी से किधर को जाना पड़ेगा। तो इन गलियों में देखो अंदर आपको पुरानी टाइप की दुकान दिखेगी, इस तरह से पुराने जमाने में होती थी दुकानें। देखो इधर भी और उधर भी, और उधर एक छोटा सा स्पेस होएगा, उसके अंदर शॉप होएगी। तो अभी हम लोग पहुंचे नहीं है यहाँ पे। अच्छी चीज ये है कि चश्मे नहीं खोलने, नहीं तो भाई दिख ही कुछ नहीं रहा था। मैं सोचा बिना देखे ही जाना पड़ेगा, तो हम लोग पहुंच गए। अरे मत पूछो, मैं तो ये सोच रहा हूँ ध्रुव अगर यहाँ पे भी हम पहुंच गए और हमने पहुंचाया। और देखो ना वहाँ पे ना कैमरा निकाल सकते ना चश्मे, दोनों ही गायब हो जाते हैं, इतना कहर। डांटना तो बनता है ना, एक तो अंधों को तुमने सहारा दिया और रास्ता फिर भूल गए। चलो तो जी हम लोग यशोदा कुंड पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मान्यता इस तरह से है कि अगर यहाँ पे हंसते हैं तो घर में हंसी खुशी रहती है। नेहा हंस सकते हो। ये कदम के पेड़ है। कदम के पेड़ है, दो इधर है दो सामने। अच्छा यहाँ से नाम हुआ मुरली वाला। अच्छा जी, वो गऊ घाट। एक कदम ये है और एक कदम वो पार है, दो पार है और दो पार। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ माथो लगा लो, हट लो। हाँ नेहा माथा लगाओ और हंसो। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। हंसना भी है। राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। जवानों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को राधे राधे, राधे राधे। तो जी हम लोग आ चुके हैं नंद बाबा का गौशाला। हाँ नंद बाबा का गौशाला। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे है। इनका नाम है चुनमुन मुनमुन, इनका नाम चुन चुन मुनमुन, इसका नाम मुनमुन, और इसका नाम कृष्णा, और इसका नाम गोपाला। ये श्याम सुमन, इनके नाम है अलग अलग। अच्छा ये बड़े सुंदर है भाई। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं नंद महल, फाइनली जाके हमें नंद महल मिल चुका है, तो जाते हैं अंदर। तो जी हम गोकुल की इस गलियों में घूम रहे हैं जहां पे कृष्ण भगवान का बचपन बीता है, तो हम भी थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, वो कोरिलेशन बनता नहीं है, बहुत कम कनेक्शन दिखता है। ज़्यादातर बस यही है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो देखने में अच्छी लगती है, जो उस टाइम पर कैसी थी क्या थी, बाकी तो वैसा। बस आप दर्शन करो, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो गाइड बन के आपको पूछते रहेंगे, तो उनके झांसे में ना आए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तो आप वृंदावन वाले किसी भी मंदिर में जा रहे हो, वहाँ पे आपको मंकी का ध्यान रखना है और अपने मोबाइल का ध्यान रखना है। स्नैच कर देते हैं, एक मंकी आगे से भी आ गया, मेरा ध्यान उसके साइड ही है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं नंद घाट। अगर मैंने तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, तो क्या मिलेगा। तो जी अभी मंदिर सारे बंद होते, तो हमने सोचा कि कहीं पे जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेते। तो दा गोविंदम रिजॉर्ट है हमारी आज की प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। तो ये है सारे रूम्स यहाँ ऊपर, तो हमने सोचा कि यार थोड़ा सा भी रेस्ट कर लेते जब तक मंदिर खुलेंगे। तो सब लोग अपना अपना सामान निकाल रहे हैं, तो अभी रूम में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना अभी शादी भी होने वाली है कुछ दिनों बाद, तो यहाँ पे जितने भी हमें होटल मिले हैं वो मैक्सिमम बाहर, वहाँ पे शादी के लिए लॉन एरिया भी होता है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको देख के, और सजावा भी है अच्छा है। तो जी हम लोग रूम में आ चुके हैं, हमने थोड़ा सा सामान किया, ये सामान थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान है जो हमने रख दिया है। तो आज का हमारा रूम कुछ इस तरह से रहेगा, कल वाले बेड में फिर भी गैप था, आज वाले तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, मज़ा आएगा। तो ऐसे रूम्स में फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप लोगों को रात को कुछ भी प्लान बनाना है, गपशप करनी है, तो साथ साथ ही हो जाता है। तो गाइस तुम लोग मुंह धोओगे क्या अभी? ऐसे ही चलेंगे ना, है ना? तो अभी ऐसे करते 10-15 मिनट फ्रेशन अप होके, और फिर अपना यहाँ से 2-3 मंदिर जो है वो कवर कर लेंगे। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैष्णो देवी मंदिर और प्रेम मंदिर, एस्कॉन टेम्पल, और हमने कल जो पागल बाबा मंदिर गए थे वहाँ पे 9th फ्लोर पे ओम मंदिर है, कोशिश करेंगे ये अभी शाम, हाँ शाम के टाइम ये कवर कर ले। और हम लोग अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, ई रिक्शा में ही ट्रेवल करेंगे, क्योंकि अंदर 1 किलोमीटर बाद प्रेम मंदिर के गाड़ी नहीं जाने देते, तो इससे अच्छा बेटर है कि हम, अरे हमें एक और चीज़ें पाँव धोने पड़ेंगे भाई, क्योंकि हम लोग बहुत गंदे उसमें चले आज, है ना? हाँ वहाँ के बिहारी मंदिर में। तो जी इवनिंग टाइम के लिए हम लोग हो चुके हैं रेडी, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी यहीं पे खड़ी करेंगे, और अब हम यहाँ से लेंगे ई रिक्शा, और अभी देखते हैं बाहर ई रिक्शा मिलेगा कि नहीं। हमने सोचा कि अब मंदिर खुल चुके हैं, क्यों जी? कैसा रहा आप लोगों का अभी तक का सफर? मजा आया भाई? हमारे लिए तो बहुत गजब वो था बिना चश्मे वाला। मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। घूमने का मेरे को मन भी था,
घूमे भी पर ऐसा लगा अधूरा था क्योंकि देख नहीं पाया आधे से ज्यादा चीजें। पाप धुल गए। और आपको पता है बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए, शायद ये दर्शन इजी नहीं थे हमारे लिए। था अक्षय भैया, पता है आपको आंटी पीछे से मुक्के मार रही थी। बहुत क्राउड होता है तो हम ऐसा हो गया था, एक जगह हम चले गए थे दर्शन, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे वहां से भी वापस, क्योंकि हम शराफत में थे कि चलो जान दो जान दो, पर वहां में लगा कि अगर हम ऐसे रह जाएंगे ना तो हम रह जाएंगे। तो इयर रिंग भी एक गुम हो गया, पर हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे को दर्शन हो गया। बिल्कुल, पर्दा लग जाता है, दर्शन भी हो गए और ऐसा भी हुआ कि किसी का फोन चोरी नहीं हुआ और शूट भी हो गया थोड़ा बहुत और चश्मे भी चोरी नहीं हुए और ओवरऑल मेरे को भी बहुत मजा आया। आपको होटल्स भी अच्छे मिल रहे हैं, मतलब किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल, और इसी बात पे राधे 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 राधे, सब कुछ हमने राधे पे छोड़ दिया था। सब्सक्राइबर है भगवान करे उन पे भी राधा रानी और श्री कृष्ण का ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बना रहे। और अभी हमें सब्सक्राइबर मिले भी थे आज। एक चीज है कि अब मेरे से पहले इसकी शादी हुई है, ये भी हमें एक छोटी सी राधा रानी या फिर कृष्ण भगवान बड़े आप लोगों, तो पहले आपका है फिर छोटे वो तो अब ऊपर वाले पे है। हाँ। किसका पहले आता? नेहा के मुंह में सिर्फ राधा राधा रह गया, बाकी हम सब के मुंह से राधा निकल गया। तुम ना काफी खूबसूरत लग रहे हो इस राधा राधा में, है ना? और पूरा लग रहा है कि आज तुम जो है ना वृंदावन मथुरा गोकुल घूमने आए हो। तभी थोड़ा वार्म सूट लाए थे क्योंकि यहाँ ठंड है। और अंजू खुद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है आज, तुम दोनों ने अच्छे सूट पहने हैं। वो तो भीड़ में ही निकल गया था। सही बात है। और राधा राधा निकल गया, निकल गया, मेरे तो येलो हो गई है बल्कि गाले। हाँ, हमारे ना और हाथ भी लग गया ना उस टाइम पे जब हम लोगों मंकी से बच रहे थे, चश्मे पहने थे, तो इस वजह से निकल गया। अब हम ऑटो देख लेते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे देखो दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं नजर आ रहा, ये नहीं है। तो जी हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से अगर लेफ्ट साइड को जाएंगे तो प्रेम मंदिर है, राइट साइड को इस्कॉन मंदिर। तो सोच रहे पहले इस्कॉन मंदिर चले जाते, उसके बाद प्रेम मंदिर जाएंगे। और प्रेम मंदिर में जो है ना लाइटिंग का शो होता है। इस्कॉन मंदिर पहुँचते जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये, जिसको हम देखना चाहते थे। आप देखो, आप यहाँ पे लाइव सुनाते हैं आपको। वाह, राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं, जरूर जरूर जरूर। इस्कॉन टेम्पल के सामने अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट एरिया है, अगर आप लोग गर्म कपड़े भी नहीं लेके आए तो आप कुछ ले सकते हो। ध्रुव ने तो अच्छा किया है कि टोपी पहनी है, मैंने टोपी नहीं पहनी है तो काफ़ी ठंड लग रही है। और ये है जी इस्कॉन टेम्पल, हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अभी हम एंट्री पे जाते हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन मंदिर, तो यहां से लाइन में अंदर जाना पड़ेगा और यहां अंदर जाके खुलेगा जूता चप्पल। और यहां पे टाइमिंग लिखे 12:30 से 8:30। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन मंदिर अंदर, तो यहाँ कहीं से लाइन में दर्शन करने जाना है। और ये पूरा एरिया कितना खूबसूरत। तो जी मंदिर में हम ऊपर वाले फ्लोर में आ चुके हैं। वाह, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे कुछ फोटोज़ है, उसमें कुछ बताया गया है। और यहाँ देखो, यहाँ नीचे राधे कृष्ण का नाम जप हो रहा था, तो यहाँ पे देखो फिर से नाम जप शुरू हो चुका है कृष्ण प्रभु का, जय हो जय हो। तो बेसिकली ये है जी अंदर से। वाह जी वाह, ये नज़ारा देखो आप। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मज़ा आ गया भाई। कृष्ण जी का जो नाम लिया जाता है ना, वो जो एनर्जी होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, मज़ा आ गया। हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम। मुझे पता नहीं पर मैं इमोशनल हूँ। जब वो भजन लगे थे तो, जब पर हम कृष्ण जी के पास गए थे, तो एक मोमेंट था वो, बड़ा खुश है बिल्कुल। पर काफ़ी अच्छा लगा यार, ये यूनिक एक्सपीरियंस था।
तो अब चलते हैं प्रेम मंदिर। तो यहाँ प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिली है, बहुत मजा आ गया भाई, इस्कॉन टेम्पल बेस्ट है। और अभी मैं बोल ही रही थी, ये लोग बोल रहे थे ना कि रस मलाई खाते हैं, फिर मैंने बोला था कुछ नमकीन खाते हैं, लोग जो आपने बोला गुलाब पूरी हो गई, टेस्ट नमकीन ने दे दिया, बहुत टेस्टी है। और मतलब यहाँ की ना बेस्ट फीलिंग है, एनर्जी है यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा, यहाँ पे सही चैंटिंग है जैसे। अभी खा लो, फिर हमने एक और मंदिर जाना है ना, एस्कॉन के ऑपोजिट वाली मार्केट में हम लोग आ चुके हैं। तो मार्केट में कुछ सर्वे तो हम लोग कुछ देख रहे हैं कि क्या क्या ले जा सकते हैं। कुछ दिखा आपको अभी तक? देखो आगे बहुत कुछ है यहाँ पे जो भी आप लेना चाहते हैं। तो भाई हम लोग आए हैं यहाँ पे लस्सी कॉर्नर में, तो सोचा कि थोड़ा यहाँ की लस्सी ट्राई करते हैं, सुना है काफी फेमस है। और यहाँ पे है गरम दूध, तो मटके के गिलास में मिलेगा गरम दूध, तो वो भी ट्राई करेंगे। क्यों ध्रुव, दोनों ही ट्राई कर सकते हैं हम, गरम ठंडा की टेंशन नहीं लेनी है, जब आए तो मजे ले सकते हैं। इनको भी बता, पहले अपने आप को ठंडा करके पहले ठंडा। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, तो अंदर जाके देखते हैं क्या अद्भुत है इस प्रेम मंदिर में। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, तो यहाँ पे रात को जो ना लाइटिंग का शो भी होता है, वो भी देखेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, कितने सारे लोग हैं। तो अभी यहाँ से अंदर जाना है हमें, और ये है जी पूरा मंदिर, कितना खूबसूरत है। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर अंदर। देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, रात को लाइटिंग का कमाल होता है मंदिर में, देखो कितनी खूबसूरत लाइट है। वाह जी वाह वाह, राधे राधे। यहाँ पे देखो एक पार्क है अंदर, देखो कितनी अच्छी थीम है यहाँ पे। तो ये कृष्ण भगवान की लीला पे है, जब ये काल्हाना को इन्होंने ध्वस्त किया था। वाह वाह वाह, यहाँ पे लिखा है जय श्री कृष्ण। तो ये देखो आपको, ये आपको काल्हाना के ऊपर कृष्ण भगवान भी घूम रहे हैं। वाह, तो आप देखो इस मंदिर के ना चारों तरफ को राउंड मार सकते हैं, तो हम लोग भी राउंड मार रहे हैं सबकी तरह। तो हर एक एंगल से जो ये मंदिर है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट एंट्री, अब आए हम घूम के फ्रंट एंट्री। तो यहाँ पे क्राउड देखो आप, तो पहले अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं हम भी। तो मंदिर में अंदर जाने से पहले मैंने सोचा आपको ये दिखा देता हूँ। देखो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पे उठा रखा है, ये भी काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। और पर्वत बनाया हुआ है पूरा, और कृष्ण भगवान बनाए हुए, और उसके ऊपर से पानी बह रहा है, बल्कि एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत कृष्ण भगवान ने उठाए है, देखो। तो जी ये है फ्रंट मंदिर का, प्रेम मंदिर। अब हम यहाँ से अंदर जाते हैं। वाह, ये चीज अद्भुत है, देखो यहाँ पे पानी चल रहा है और पानी में दिख रही है ये सारी चीजें। वाह, तो जी है जी लाइट शो विद वाटर। पहले आपको दिखाया था कि पानी के साथ किस तरह से तस्वीर दिख रही थी, अब देखो आप लाइट के साथ पानी यहाँ पे रंग बिखेरता हुआ है, अपने अपने रंग दिखाता हुआ लाइटों के साथ पानी। वाह 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 वाह, देखो इस तरह से बीन में रखे है बैग, हमने भी बैग ले लिए, अब ये बैग कहीं पे देना है, जमा करना है जूतों का। तो देखो ऐसी छोटी सी खिड़की बनी है, यहाँ पे मेरे को देना है बैग अपना, फिर टोकन मिलेगा यहाँ से। तो जी मंदिर में एंट्री करने से पहले हम अंजना और ध्रुव को ढूंढने चले गए थे, तो और फिर हमने सोचा कि वहाँ पे लाइट और वाटर शो चला था, हमने सोचा आप लोगों को दिखा देते। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर से किस तरह का मंदिर है, बाहर से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो जी आप सभी को दर्शन, राधा कृष्ण जी का, राधे राधे। अंदर से देखिए कितना खूबसूरत है ये मंदिर, वाओ क्या बात है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, बहुत ही गजब, क्या बात है। जय हो माता रानी, जय हो कृष्ण प्रभु। तो जी ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं ऊपर से क्या है। तो जी हम ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँच चुके हैं, तो जी आपको ऊपर से भी दर्शन करा देते हैं। तो जी इसी के साथ लास्ट दृश्य के साथ यहाँ पे कृष्ण भगवान झूला झूलते हुए, और इस सफर का भी अंत करते हैं, प्रेम मंदिर का भी लास्ट राउंड हमारा। और अब हम चल पड़े अपने रूम की तरफ, थक बहुत ज्यादा गए हैं। तो जी हम लोग वापस होटल पहुंच चुके हैं, काफी ज्यादा टायर्ड भी, अब सोचे कि थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेते हैं। सब लोगों की हालत ऐसी है कि कोई बोलने की कंडीशन में भी नहीं है, कुछ तो मेरी वजह से काफी ज्यादा चलना भी पड़ा इन लोगों को, और उसके बाद काफी अच्छा रहा, हमने लोकल लाइफ यहाँ पे एक्सप्लोर करी किस तरह से क्या है। खासकर मैं अगर वृंदावन की बात करूं तो वृंदावन में पूरा माहौल जो है ना वो पूरा कृष्ण भगवान का है, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल भक्ति भाव से
बढ़िया, और बहुत अच्छे मंदिर भी है यहाँ पे। तो कल हम जाने वाले बहुत इंटरेस्टिंग जगह, अब कहाँ जाने वाले वो आपको कल अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।